राजनयिक कार्यों को संपन्न करे। 1952 तक वह राजनयिक रहे। इसके बाद उन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति किया गया। 1962 में राजेंद्र प्रताप का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। राजेंद्र प्रसाद की तुलना में इनके कार्यकाल काफी चुनौती भरा था। जाएक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए, जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर दो प्रधानमंत्रियों का ध्यान भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न प्रदान किया गया। राधाकृष्णन ने मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमरीकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लंबी बीमारी के बाद अपना देह त्याग दिया, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों की वजह से आज भी उन्हें एक आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हासिल।